अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 28 जून 1914 एक बोस्निया सर्बिया योगोस्लाफ कौम परस्त गैर विलो पॉम्पप ने सारायगो में ऑस्ट्रिया हंगरी के वारिस आर ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया, जो सिफारती बहरान का बाइस बना। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया, इत्तेहादियों को फौरी तौर पर तमाम अहम यूरोपी ताकतों में उनसे मुतालिका 9 आबादी सल्तनतों से निकाल दिया गया और तनाज़ा तेजी से दुनिया भर में फैल गया। यह है पस मंज़र पहली जंग अजीम का, जिसने इंसानियत को जलील करके रख दिया। हवाई जहाज, टैंक, कीमियाई हथियार और आतिशी असलह का बेदरेग इस्तेमाल इससे कबल कभी देखने में नहीं आया था। इन तमाम तबाह कुन हथियारों ने जंग को और ज्यादा हौलनाक बना दिया था। यही वो वक्त था जब दुनिया में जंग की नई जिहत यानी 5th जनरेशन वॉर का आगाज हुआ, जिसके तहत पहली अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी गई। नतीजतन सल्तनत उस्मानिया का इन्हदाम अमल में लाया गया। तमाम आलम अरब को एक मरकजी हुकूमत के जेर असर रहने के बजाय छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया गया और सेकुलरिज्म का बीज बोकर तुर्कों के हाथों मुस्लिम दुनिया का सदियों पुराना निज़ाम खिलाफत खत्म कर दिया गया, ताकि मुसलमान और बिलखसूस अरब कभी यकजा न हो सकें। वतन अजीज़ पाकिस्तान भी आजकल इसी किस्म के हालात से दोचार है, जहां बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कराची को अलहदा करने की साजिशें अरूज पर हैं। इंसानी तारीख इस किस्म की महल्लाती साजिशों से भरी पड़ी है। कितने भी बड़े नाम इस सियासत और हुकूमत के गोरख धंधे के बाइस खाक में मिल चुके हैं और आगे कितने बाकी हैं खुदा ही जाने। हाबिल व काबिल से शुरू होने वाला कत्ल व गारतगरी का यह सिलसिला जाने कहां जाके रुके। शायद यही वजह है कि मासूम फरिश्तों ने अल्लाह ताला से यह अर्ज किया कि जो इंसान तू बना रहा है वो दुनिया में फसाद बरपा करेगा। जमाल खशोगजी का शुमार भी उन बदनसीबों में होता है जो बेरहम सियासत की भेंट चढ़ गए, यहां तक कि उनकी उंगलियां और उनके बाजू भी काट दिए गए जिनसे वो लिखा करते थे। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। जमाल खशोगजी का शुमार उन चंद अरब सहाफियों में होता था जो सऊदी तर्ज हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। वो सऊदी हुकूमत के इकदामात पर खुली तनकीद किया करते थे, बिलखसूस यमन और कतर के मामले में उनकी राय वली अहद से मुख्तलिफ थी। यही वजह है कि वो सऊदी सिफारत खाने में दाखिल होते देखे गए, मगर उन्हें वहाँ से वापसी नसीब नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक ज़ाती मुहाफिजीन ने यह खिदमत शहजादे के लिए अंजाम दी है, लेकिन बात सोचने की यह है कि शहजादे को क्या पड़ी थी कि अपने ही सिफारत खाने में एक ऐसा शख्स कत्ल करवा दे जो खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ लिखता और बोलता है, और वो भी उस मुल्क में जिससे पहले ही उनके सिफारती ताल्लुकात पेचीदा हैं। ये तो वही बात हो गई, आबैल मुझे मार। अब MBS इतना भी बच्चा नहीं है कि उसे इतनी भी अकल ना हो। वैसे तो मजमूई तौर पर उसके इकदामात तिफलाना ही कहलाएंगे, मसलन यमन में बेमसरफ जंग, कतर से झगड़ा, बेदरेग असलह की खरीदारी, इजराइल से पींगें, ईरान के खिलाफ 34 मुल्की इत्तेहाद, इराक व शाम में बागियों और बिलखसूस दाइश की सरपरस्ती, अपने ही ख़ानदान के अफराद की गिरफ्तारियां और कत्ल। अलगर्ज इतनी सी उम्र में उसने क्या क्या ना किया होगा। बहर कैफ जमाल खशोगजी चूँकि इबलाग आमा के शोबे से वाबस्ता थे, लिहाजा उनकी नागहानी मौत ने सारी दुनिया हिलाकर रख दी है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर के आला तरीन ओहदेदार माइक पोम्पियो, जो CIA की सरबराही भी कर चुके हैं और CIA जो दुनिया भर में इस किस्म की कार्रवाइयां करने में माहिर समझी जाती है, मुबैना तौर पर यह मसला सुलझाने के लिए कूद पड़े हैं, यानी जलती पे तेल वाला मजमून है। यहाँ तक कि अमरीकी सदर भी इस मामले में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
और आप बखूबी जानते हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप टांग अड़ा दें वहां का तो अल्लाह ही हाफिज है। वैसे भी वॉशिंगटन पोस्ट के तहत अमरीका को आले सऊद की ज़रूरत नहीं रही। यकीनन ये चिंगारी तमाम दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है और शायद उस एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के लिए वबाले जान बनने वाला है। वस्सलाम।